हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 3 यानी कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करती है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी यहां पे है और वो थोड़ी देर के बाद यहां पर चली जाती है, तो जाहिर सी बात है उसने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया है बेटा, आपका मोशन यानी कि आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया होगा और फोर्स लगाने के बाद में इसने एक डिस्प्लेसमेंट कंज्यूम किया होगा जिससे ये यहां से कहां पहुंच गई आपकी यहां पर, क्लियर हुआ। तो एक तरीके से ये जो मोशन पॉसिबल होता है, ठीक है, तो ये कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपका मोशन किया जाता है, क्लियर हुआ। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, यानी कि लॉ के नियम। तो ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये नॉर्मली न्यूटन के द्वारा दिए गए थे और ये कितने थे बेटा आपके, 3 होते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, जिसमें अगर पहले रूल की मैं बात करूं फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ को आपका एक तरीके से अगर हम बात करें तो इनर्शिया लॉ भी कहा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोला जाता है। तो ये एक तरीके से 3 कैटेगरी में होता है, पहला जो आपका लॉ है वो 3 कैटेगरी में होता है, जैसे सबसे पहला क्या होता है बेटा आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो फर्स्ट लॉ की पहली एक तरीके से पार्ट है, पहले लॉ का, फर्स्ट लॉ की हम यहां पे बात कर रहे हैं और फर्स्ट लॉ का ये पहला पार्ट है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें क्या बताता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें बताता है फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लें जैसे इमेज है यहां पे और इसके ऊपर मान लिया कोई बुक है, ये क्लियर है बात। तो अगर ये बुक यहां पे रखी हुई है तो आप जानते हैं कि ये बुक आपकी यहां पे रखी रहेगी कब तक, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा, यानी कि जब तक इसको कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्लियर है बात। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमें यही बताता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी कब तक, जब तक वो आपकी किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा उसकी पोजीशन में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, क्लियर है बात। सेकंड यहीं पे अगर हम बात करें दूसरा फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, क्लियर है बात। यानी कि अब मान लिया कोई बॉडी है और वो एक तरीके से चलना चाहती है या फिर चल रही है, ठीक है, तो वो बॉडी चलती ही चली जाएगी। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बताता है कि वो बॉडी जो है अगर चल रही है, ठीक है, तो वो चलती ही चली जाएगी कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्क ना करे, क्लियर है बात। यानी कि अगर मान लिया, लेकिन ये कहां पे होता है सारा काम, ये वैक्यूम में होता है सारा काम, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कि अगर वैक्यूम है कहीं पे तो आपका जो मोशन है, कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही बनी रहेगी कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्लियर बात। और तीसरा जो एक तरीके से पार्ट होता है इसका, वो होता है बेटा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्लियर बात। यानी कि बॉडी एक तरीके से जिस डायरेक्शन में एक बार चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन को खुद से कभी चेंज नहीं कर पाएगी। मान लिया बॉडी इधर से इधर जाना चाहती है तो वो इधर से इधर ही चलती रहेगी जब तक कि इसको घुमाने वाला कोई नहीं होगा, क्लियर है बात। तो इसको बोलते हैं बेटा आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्लियर। तो इस चीज को आप लोग पढ़ें एक बार।